आपका अपने चैनल नॉन टेक टेक विद हसन भाई में स्वागत है। मैं प्रेमवती यादव, आज हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन ब्लाटा ओरिएंटेलिस के बारे में बात करने वाले हैं। ये दवा जो है हमारी इंडियन काकरोच से बनी हुई मेडिसिन है। काकरोच हमें यूजुअली घर के किचन में देखने को मिले जाते हैं, ये उसी से बनी हुई दवा है। ठंड का मौसम है तो अभी सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स हमें क्या देखने को मिलती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार लगना। तो कहीं ना कहीं इस मेडिसिन का यूज हम इस सीजन में कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, अगर कोई पर्सन है उसमें अस्थमेटिक अटैक देखने को मिल रहा है। अस्थमेटिक अटैक क्या हो गया, पर्सन में सांस जब ले रहा हो तो घरघराहट हो रही हो, उसके बाद पर्सन को सांस बहुत खींच खींच के ले रहा हो, मतलब डिस्निया देखने को मिल रही, कहीं ना कहीं डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिल रहा है हमें। उसके बाद पर्सन में ना विस्लिंग साउंड, मतलब सीटी जैसे बज रही हो ना वैसी ब्रीथिंग देखने को मिल रही हो, और अगर सीवियर कंडीशन हो गई हो तो पर्सन जो है ना एक सेंटेंस एक ब्रीथ में कंप्लीट नहीं कर पा रहा हो। उसके बाद पर्सन की पल्स बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हो, घबराहट देखने को मिल रही हो पर्सन में। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा हो, पर्सन को बहुत ज्यादा कफ आ रहा हो, कफ भी कैसा हो जैसे पस लाइक म्यूकस देखने को मिल रहा हो, जो खखार निकल रहा हो उसमें ऐसा लग रहा है जैसे पस बन गया है। कोई चीज जब पक जाती है तो क्या निकलता है, पस। अगर वैसा हमें म्यूकस देखने को मिल रहा हो तब भी हम इस मेडिसिन के बारे में सोचेंगे। अगर किसी पर्सन को आपने इससे पहले आर्सेनिक दी है उसके बाद भी इसके कफ के सिम्टम्स में रिलीफ देखने को नहीं मिला है और अस्थमा बना हुआ है, सर्दी खांसी बनी हुई है, तब आप ब्लाटा ओरिएंटेलिस का यूज कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो हमें इसे यूज कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है इसका। अगर किसी पर्सन में सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब क्या है कि पर्सन कहीं ना कहीं सफोकेशन से फील कर रहा, सांस नहीं ले पा रही, पर्सन को घबराहट हो रही, अगर ऐसे प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल रहे हो तो उस कंडीशन में हमें लो पोटेंसी में यूज करना है। लो पोटेंसी इन द सेंस क्या हो गया, या तो हम 30 पोटेंसी में यूज करेंगे, दो बूंद टंग में लेंगे इसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद कुछ भी नहीं लेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको मदर टिंचर फॉर्म में यूज करेंगे। मदर टिंचर फॉर्म में यूज करते हैं तो 10 बूंद मेडिसिन की और आधे कप पानी में एक बार सुबह और एक बार रात में लेंगे, ऐसा हम दो बार करते हैं, और इसको कम से कम 15 दिन तक लेते रहें। आपको डेफिनेटली परमानेंट क्योर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक अस्थमा एक ऐसी बीमारी है कि कहीं ना कहीं उसके लिए कॉज क्या होता है, डैम्प वेदर हो गया, अगर एक्सट्रिंसिक अस्थमा है तो कोई एलर्जी हो गया, और यही अगर इंट्रिंसिक अस्थमा है मतलब कहीं ना कहीं इसमें इमोशनल कॉज हो गया। अगर इमोशनल कॉज है तो पर्सन को इमोशनल स्ट्रेस से बचना चाहिए, अगर वो इमोशनली हर्ट होगा तो उसको कहीं ना कहीं अस्थमेटिक अटैक देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे पर्सन को ऐसे चीजों से दूर रहना चाहिए जिससे वो हर्ट हो रहा हो, ठीक है। और अगर एक्सट्रिंसिक है तो वहीं एलर्जिक फैक्टर से दूर रहना चाहिए, डस्ट से दूर रहना चाहिए, पॉलन ग्रेन से दूर रहना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे उसे एलर्जी हो रही हो उससे दूर रहना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका अस्थमा को ट्रीट करना है कि कॉज को क्यों ना रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि इसमें जब तक कॉज बना रहेगा तब तक इसमें क्योर नहीं किया जा सकता। बट ब्लाटा ओरिएंटेलिस देने के बाद भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको डेफिनेटली पर्सन में क्योर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर पर्सन में इम्प्रूवमेंट हो रहा हो, मतलब पर्सन के सिम्टम्स कहीं ना कहीं सबसाइड हो रहे हो, उस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग कि इसकी पोटेंसी को बढ़ाना है, मतलब हाई पोटेंसी में लेना है। जैसे हम ब्लाटा ओरिएंटेलिस का 200 पोटेंसी यूज करेंगे और इसको हफ्ते में एक बार यूज करेंगे, फिर हम इसका 15 दिन में रिपीट करने लगेंगे, और जैसे जैसे सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, मतलब पर्सन के सिम्टम्स सबसाइड होने लगेंगे, तो हम मेडिसिन को ड्रॉप कर देंगे, मतलब लेना बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि नहीं तो हमें इसमें एग्रावेशन देखने को मिलेगा, मतलब पर्सन के सिम्टम्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, होम्योपैथिक एग्रावेशन। तो इससे हमें बचना होगा, नहीं तो हमारी कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।